बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। टुडे वी विल लर्न अबाउट सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इट इज़ अ टॉपिक फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विच इज़ एन इंजीनियरिंग अप्रोच फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर। बिफोर दैट वी नो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वी शुड नो अबाउट वट इज सिस्टम। सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरडिपेंडेंट आइटम्स दैट इंटरेक्ट रेगुलरली टू परफॉर्म अ टास्क। ठीक है, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए जब कोई आइटम्स मिलकर काम करते हैं, कलेक्टिवली काम करते हैं, आपस में कोलैबोरेशन से इंटरेक्ट करके काम करते हैं, तो हम कहते हैं ये एक सिस्टम है। इट कैन बी पीपल और मशीन्स। अगर स्कूल सिस्टम की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत से टीचर्स होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो कि आपस में कोलैबोरेशन से काम कर रहे होते हैं। टीचर्स लेक्चर्स देते हैं, स्टूडेंट टेस्ट एग्ज़ाम एक्सेट्रा देते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टीचर और स्टूडेंट दोनों के साथ इंटरलिंक्ड होती है। तो ऑन द होल ये सारे मिलकर एक काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट की एजुकेशन के अगेंस्ट काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो कि क्या मिलकर बनाता है, एक सिस्टम बनाता है। इसके अलावा अगर फैक्ट्रीज़ की बात की जाए तो फैक्ट्रीज़ में भी जो हैं डिफरेंट मशीन्स होती हैं जो कि मिलकर काम कर रही होती हैं, चाहे वो फूड फैक्ट्री हो, चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हो। क्लियर, तो वो सब मशीन्स आपस में मिलकर काम कर रही होती हैं। कोई एक मशीन अगर कोई टास्क परफॉर्म करती है, वो अपना टास्क करके नेक्स्ट मशीन को भेज देती है, जिससे नेक्स्ट मशीन अपना टास्क परफॉर्म करती है। इसी तरह सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके कोलैबोरेशन से काम परफॉर्म करती हैं, तो एक सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं ये एक सिस्टमैटिक वे में काम हो रहा है। क्लियर, अब बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। स्टूडेंट, कंप्यूटर सिस्टम आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर सिस्टम जो है उसके दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये कंपोनेंट जब भी कोई काम करना होता है, ये दोनों कंपोनेंट्स मिलकर काम करते हैं। क्लियर, तो सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग सॉर्टिंग प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन। मीन्स के हम लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन इसमें क्रिएट की है या डाटा जो है वो एंटर करके उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया है या उसको सॉर्ट किया है, प्रोसेसिंग करवाई है या उस इंफॉर्मेशन को ईमेल्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करवाया है, तो ये सारा काम जो है इसके कंपोनेंट्स के थ्रू होता है। उन कंपोनेंट्स के कोलैबोरेशन से ये काम होता है। क्लियर, तो आ सिस्टम कैन बी डिवेल्प बाय अप्लाइंग ए सेट ऑफ मेथड्स प्रोसीजर्स एंड रूटीन्स। कोई भी सिस्टम है उसको कैसे बनाया जा सकता है, जब हम कोई मेथड्स कोई प्रोसीजर रूटीन्स को फॉलो करते हैं इन अ प्रॉपर सीक्वेंस टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क। जब भी कोई टास्क परफॉर्म करना होता है तो हम कुछ मेथड्स को फॉलो करते हैं, जिस सीक्वेंस में वो मेथड्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं ताकि हम एक सिस्टम डिवेल्प कर सकें। कंप्यूटर सिस्टम वर्क इट टास्क विद द कोलैबोरेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम क्या करते हैं, करता है कि अपने जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस सब के साथ मिलकर जो है वो उसके कोलैबोरेशन से जो भी है वो काम परफॉर्म करता है। क्लियर, इसके बाद बात करते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। स्टूडेंट, लाइफ साइकिल के बारे में आप लोग जानते हैं, लाइफ साइकिल क्या होता है, जिस तरह प्लांट्स का होता है, एनिमल्स का होता है, कि स्टार्ट में ये था, उसके बाद ग्रेजुअली उसमें जो जो चेंजिंग्स आती गई उसको मिलाते हुए एक लाइफ साइकिल बन जाता है। क्लियर, इसी तरह जब हम लोगों ने कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो डेफिनेटली उसका भी एक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, और वो ग्रेजुअली हर स्टेप से होता हुआ, हर फेज से होता हुआ एट द एंड अपने डिजायर्ड आउटकम तक पहुँच जाता है। सो अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्रिएटिंग और ऑल्टरिंग ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर, कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको प्लान करना है, क्रिएट करना है, या ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसमें ऑल्टर करना है, कोई चेंजिंग्स करने हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। दीज आर द मैथड्स एंड मैथडोलॉजीज दैट एक्सपर्ट्स यूज टू डिवेल्प दीज सिस्टम। ठीक है, तो SDLC बेसिकली क्या है, ये मेथड्स होते हैं और मेथडोलॉजीज होते हैं, ठीक है, जिनको फॉलो करते हुए हम अपना सिस्टम क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं। SDLC इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस थ्रू विच अ सीरीज ऑफ स्टेप्स और फेजेस हेल्प्स टू प्रोड्यूस अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर, तो SDLC एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस मीन जब हम लोगों ने कोई नया सॉफ्टवेयर बनाना होता है या कोई सिस्टम बनाना होता है तो डेफिनेटली जो प्रीवियस है उसमें कोई इशू होगा, या तो वो होगा ही नहीं, अगर होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स होंगी, जिसको ओवरकम करने के लिए, जिसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक नया सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं।
क्लियर। तो एसडीएलसी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होता है जिसके डिफरेंट स्टेप्स और फेजेस को फॉलो करते हुए हम लोग एक नया कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। क्लियर। और अगर इसकी इम्पोर्टेंस देखी जाए तो इट डिलीवर्स क्वालिटी सॉफ्टवेयर विच मीट्स द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। एसडीएलसी को फॉलो करते हुए जो हमारे पास सिस्टम आउटकम में आता है दैट इज़ द बेस्ट क्वालिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर। ये बहुत एक्सीलेंट होता है और जीनियस सॉफ्टवेयर हमारे पास डिवेलप होकर आता है। इसके अलावा इट इंश्योर्स दैट द रिक्वायरमेंट फॉर सॉफ्टवेयर आर वेल डिफाइंड एंड सबसिक्वेंटली सेटिस्फाइड। क्योंकि एसडीएलसी के फेजेस इस तरह के हैं कि अगर इसके डिफरेंट फेजेस को देखा जाए तो इसके कुछ ऐसे फेजेस हैं जिसमें रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है कि अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है क्या, क्या वो सेटिस्फाइड है, ठीक है, इसके अलावा क्या वो फंक्शनल है, क्या वो वेल डिफाइंड है, मीन ईच एंड एवरीथिंग हम लोग जो है वो इसमें क्लियर कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो वेल डिफाइंड मिल जाती है, इसके अलावा वो जिस चीज़ से सेटिस्फाइड होता है हमें वो उस चीज़ का भी पता चल जाता है। इसके अलावा इट डिलीवर्स कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम। इसके अलावा इससे के थ्रू जो एसडीएलसी है, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भी हमें सॉफ्टवेयर मिलता है, जो भी हमें आउटकम में सॉफ्टवेयर डिवेल्प हुआ मिलता है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मीन ज़्यादा महंगा एक्सपेंसिव नहीं होता। इट मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी एंड मार्केटिंग। क्योंकि ये डिफरेंट फेजेस एक सिस्टमैटिक वे में जो है वो डिवेल्प हुआ है तो इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हाई होगी, ठीक है, इसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा एसडीएलसी के ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो देर आर थ्री ऑब्जेक्टिव्स। नंबर वन, इंश्योर दैट हाई क्वालिटी सिस्टम्स आर डिलीवर्ड। के एसडीएलसी से जो सिस्टम डिलीवर होंगे वो हाई क्वालिटी के होंगे, बेस्ट क्वालिटी के होंगे। इसके अलावा प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर द प्रोजेक्ट। और इसके थ्रू जो हमें सॉफ्टवेयर मिलेगा उसमें हमारी मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो बेस्ट होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा कि हमारा जितना भी कंट्रोल है वो सारा का सारा अपने प्रोजेक्ट के ऊपर होगा। क्लियर। इसके अलावा मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी, और जितनी मार्केटिंग है, मार्केटिंग वैल्यू है, इसकी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होगी। क्लियर। अगर इन ऑब्जेक्टिव्स को हम समराइज करके देखें तो ये बनता है, इट इज़ टू एस्टैब्लिश एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट अथॉरिटी टू डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कंट्रोल रिव्यू एंड अप्रूव दैट सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट। क्लियर। मीन एसडीएलसी से जो हमारे पास सॉफ्टवेयर बनता है दैट इज़ कि उसमें क्या होता है, मैनेजमेंट अथॉरिटी को फुल कंट्रोल होता है कि वो एक तो डायरेक्ट कर सकती है, कोऑर्डिनेट भी कर सकती है, कंट्रोल रिव्यू अप्रूव कर सकती है अपने सॉफ्टवेयर को। क्लियर। SDLC should identify the harmful potential risks in advance so that proper planning should be done in early. इसके अलावा SDLC के फेजेस से जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि सॉफ्टवेयर में कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, कौन कौन सी हार्मफुल चीज़ें आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हमें पहले ही पता चल जाता है, ठीक है, जिसके लिए हम बेस्ट सोल्यूशन अपना ढूंढ लेते हैं। क्लियर। तो दिस इज अबाउट SDLC। नाउ वी टॉक अबाउट स्टैक होल्डर्स ऑफ SDLC। स्टैक होल्डर्स के बारे में आप लोग पहले भी जानते हैं, जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के हैं उनको ज़्यादा इस चीज़ का आइडिया होगा, डिफरेंट शेयरिंग्स वगैरह आते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, लाइक इसी तरह। अगर SDLC की बात की जाए तो इसमें भी स्टैक होल्डर वो होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि या तो पैसे अपने स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, ठीक है, या प्लान दे रहे होते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, या उस सॉफ्टवेयर को बना रहे होते हैं, या उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले होते हैं। तो वो जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर दैट आर ऑल कॉल्ड स्टैक होल्डर्स। क्लियर। एंटिटीज आर ग्रुप्स विच आर आइदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दैट स्पॉन्सर प्लान डिवेल्प और यूज अ प्रोजेक्ट। क्लियर। उस प्रोजेक्ट को जो जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, डिवेल्प कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो चाहे तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने वाली, ठीक है, तो वो सारे क्या होते हैं, स्टैक होल्डर्स होते हैं। इट में बी यूजर्स, मैनेजर्स एंड द डिवेल्पर्स। क्लियर। तो स्टैक होल्डर्स कौन डिफाइन करता है, उनकी बाकी की रिक्वायरमेंट्स कौन डिफाइन करता है, उस प्रोजेक्ट का मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो डिफाइन करता है कि हमारे स्टैक होल्डर्स कौन होंगे, और इसके अलावा उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करते हैं, इसके अलावा उसके उससे जो एक्सपेक्टेशन होती है वो डिफाइन करता है, और उसके जो भी इन्फ्लुएंस होता है उस सॉफ्टवेयर के ऊपर वो मैनेज कर रहा होता है। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टैक होल्डर्स। स्टूडेंट, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट पर्सोनल्स इन SDLC। क्लियर। विच आर मैनेजमेंट पर्सोनल, प्रोजेक्ट मैनेजर, सिस्टम एनालिस्ट,
programmer software tester customer. Clear? Thanks for watching. अगर कोई question हो तो please comment में बताइएगा.